आज हम लोग बात करेंगे वीपीएन के बारे में। वीपीएन क्या होता है, क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं, क्या इसके डिसएडवांटेजेस होते हैं, क्या ये लीगल है, क्या ये सेफ है, ए टू जेड पूरा आज मैं आप लोगों को वीपीएन के बारे में बताने वाला हूँ। हाय गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी। तो शुरुआत करते हैं कि वीपीएन एक्चुअल में होता क्या है। वीपीएन होता है एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। सो वीपीएन एक सिक्योर कनेक्शन एस्टैब्लिश करता है एक दूसरे नेटवर्क के ऊपर। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर मैं इस बॉटल का यूज़ करूँगा। ये एक बॉटल को एक टनल की तरह समझना। यहाँ पर मेरा कंप्यूटर है, यहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ, और यहाँ पर एक दूसरा कंप्यूटर है, दूसरा नेटवर्क है। तो यहाँ से इस कंप्यूटर से लेके मैं दूसरे कंप्यूटर पे कनेक्ट करूँगा, और जो भी मेरा डेटा जाएगा वो इस टनल के अंदर से जाएगा। तो इस टनल के अंदर, इस बॉटल के अंदर से जो भी डेटा जा रहा है उसे मेरा ISP प्रोवाइडर नहीं देख सकता है, चाहे वो एयरटेल हो। मेरा अगर मैं पब्लिक वाईफाई यूज़ कर रहा हूँ तो कोई और इसमें नहीं देख सकता है कि मैं कौन सी वेबसाइट विजिट कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, वो नहीं देख सकता है जब तक मैं इस टनल के अंदर से जा रहा हूँ। और गवर्नमेंट भी नहीं देख सकती है कि मैं कौन सा डेटा भेज रहा हूँ, क्योंकि सारा डेटा मेरा प्रोटेक्टेड रहेगा इस टनल के अंदर, इस बॉटल के अंदर से जाएगा। और ये जो मेरा दूसरा कंप्यूटर है, ये दूसरा कंप्यूटर वर्ल्ड में कहीं पर भी हो सकता है। ये हो सकता है USA में, ये हो सकता है जापान में, या फिर इंडिया के किसी और स्टेट में हो सकता है। तो मान लो ये है मेरा USA में, तो मैं यहाँ से कनेक्ट हुआ, मैं सीधे पहुँच गया USA। मैंने यहाँ से ओपन किया netflix.com। जैसे ही मैं नेटफ्लिक्स पे गया, नेटफ्लिक्स आया इधर वापस, उसने देखा यार ये तो USA से आ रही है। नेटफ्लिक्स को नहीं पता है कि मैं इंडिया से एक्सेस कर रहा हूँ, नेटफ्लिक्स को यही लगेगा कि मैं USA से एक्सेस कर रहा हूँ। तो मैं, मेरी आइडेंटिटी यहाँ से उठ करके यहाँ वाले सर्वर के ऊपर चली जाएगी। तो जो भी मैं काम करूंगा वो इस सर्वर के थ्रू होगा, तो लोगों को लगेगा कि मैं USA में हूँ। तो नेटफ्लिक्स जैसे ही मैं ओपन करूंगा, नेटफ्लिक्स वाले को लगेगा कि यार ये तो USA का है, तो हम लोग इसको US की लाइब्रेरीज के सारे शोज और मूवीज दे देते हैं। तो इस टाइप से VPN आप लोगों का काम करता है, एक सिक्योर कनेक्शन रहता है एंड एक दूसरी जगह पर आप लोगों का सर्वर रहता है। सो अब मैं इसके यूजेस की बात करता हूँ। जो सबसे पहला यूज है वो है स्ट्रीमिंग करने के लिए। अगर मुझे नेटफ्लिक्स देखना है, US के शोज देखने हैं, US में जो लेटेस्ट मूवीज रिलीज हो रही है वो देखना है, तो फिर मुझे VPN का यूज करना पड़ेगा। देखो, इंडिया का जो नेटफ्लिक्स है और US का जो नेटफ्लिक्स है, दोनों के डेटाबेस में बहुत फर्क है, मैंने खुद ने देखा है, और दोनों के प्राइजेस सेम ही है। मैं नेटफ्लिक्स इंडिया के लिए भी उतना ही पे कर रहा हूँ, मैं नेटफ्लिक्स USA के लिए भी उतना ही पे करूंगा, तो क्यों नहीं मैं VPN का यूज करके कुछ अच्छी शोज और मूवीज को एंजॉय करूँ। तो ये नेटफ्लिक्स हो गया, उसी तरह Amazon प्राइम हो गया, हुलू हो गया। सो इस तरह से हम लोग काफी सारे स्ट्रीमिंग सर्विसेज का यूज कर सकते हैं। सेकेंड होता है सिक्योरिटी के लिए। अगर आप लोग किसी पब्लिक वाईफाई का यूज़ कर रहे हैं और आप लोग नहीं चाहते हैं कि आप लोगों को कोई डेटा देखे, पब्लिक वाईफाई में यूजुअली क्या होता है, बहुत सारे और लोग कनेक्टेड रहते हैं, एंड अगर वो लोग कुछ मैन इन द मिडिल अटैक भी करें या फिर वो आपके डेटा पैकेट्स को देख सकते हैं जो कि अनसिक्योर्ड रहते हैं, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप लोग VPN का यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने कहा, आपका सारा डेटा इस टनल के अंदर से जाएगा, तो कोई भी दूसरा बंदा इस डेटा को नहीं देख सकता है। और ऐसा नहीं होता है कि आपकी सारी वेबसाइट्स HTTPS वाली हो, कुछ कुछ HTTP वाली भी रहती है। और जब आप लोग जो अपने मोबाइल में ऐप्स यूज करते हो, उसमें भी ऐसी कोई गारंटी नहीं रहती कि वो ऐप्स HTTPS पे ही एस्टैब्लिश कर रहा है अपने कनेक्शन। बहुत सारे ऐप्स मिक्स्ड कनेक्शन का भी यूज करते हैं, मैं खुद डेवलपर हूं तो मुझे पता है। तो उस सिनेरियो के लिए, सिक्योरिटी एस्टैब्लिश करने के लिए VPN बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड है वेबसाइट को अनब्लॉक करने के लिए। कुछ ऐसे स्पेशल वेबसाइट्स है जो इंडिया में ब्लॉक है या फिर किसी और कंट्री या स्टेट में ब्लॉक रहती है, तो अगर आप लोगों को वो वेबसाइट को अनब्लॉक करना है और उसका कंटेंट एक्सेस करना है, चाहे वो स्ट्रीमिंग के लिए हो, चाहे वो वीडियो के लिए हो, चाहे वो ऑडियो के लिए हो, तो उसके लिए आप लोग VPN का यूज कर सकते हो। फोर्थ है, कंपनीज अपने प्राइवेट VPN का यूज करती है अपने डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल, गूगल ने जितने भी उनके हाई प्रोफाइल एम्प्लॉयज है उनके सिस्टम में एक VPN नेटवर्क डाल दिया है, ताकि जो भी वो एक्सेस करें, जो भी चीजें वो लोग देखें, उसको वो लोग ट्रेस कर सके, ताकि इन फ्यूचर अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लीक हो जाती है तो कॉर्पोरेट फिर उसमें से नैरो डाउन कर सकते हैं कि कौन था वो बंदा जो रिस्पॉन्सिबल था, और उसको फायर कर सकते हैं। तो अगर आप लोग P2P डाउनलोड करते हैं, टॉरेंट वगैरह का यूज करते हैं, तो भी आप लोगों को VPN फायदेमंद रहेगा। और सिक्स्थ है डाउनलोड स्पीड को लेकर के। इन सम केसेस डाउनलोड स्पीड आपकी बढ़ सकती है। यूजुअली जब भी आप लोग VPN यूज करोगे, आप लोगों की थोड़ी स्पीड कम होगी, लेकिन इन सम स्पेशल केसेस आप लोगों की डाउनलोडिंग स्पीड बढ़ भी सकती है। कैसे? देखो, जब भी हम लोग कोई लार्ज फाइल्स को डाउनलोड करते हैं, तो जो हमारे ISP प्रोवाइडर्स रहते हैं, जैसे एयरटेल हो गया, BSNL हो गया, वो स्पीड को थोड़ा थ्रॉटल कर देते हैं कि अगर मैं 4-5 GB की एक साथ फाइल डाउनलोड कर रहा हूँ और बहुत सारे नेटवर्क की स्पीड ले रहा हूँ मैं, तो वो लोग उसको थोड़ा जानबूझ के थोड़ा थ्रॉटल कर देते हैं, ताकि सारे लोगों को स्पीड मिल पाए। तो इस सिनेरियो में
अगर आप लोग किसी VPN का यूज करेंगे तो फिर आप लोगों को यहाँ पर अच्छी स्पीड मिलेगी। नाउ मेरे साथ पर्सनली ऐसा हुआ है कि मैंने बहुत सारी फाइल्स डाउनलोड करी और मेरी स्पीड को थ्रॉटल कर दिया गया ISP के थ्रू, तो जब मैं वो VPN से करता हूँ तो मुझे अच्छी खासी डाउनलोडिंग स्पीड मिल जाती है। अब अगर यहाँ पे मैं इसके डिसएडवांटेजेस की बात करूँ तो पहला रहेगा स्पीड। जब आप लोग VPN यूज करेंगे तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर कनेक्शन एस्टैब्लिश होगा, तो इस कनेक्शन में आप लोगों की स्पीड थोड़ी हैम्पर होगी, थोड़ी कम होगी। तो कितनी कम होगी डिपेंड करता है अगेन कि आप कौन से सर्वर पर हो, कहाँ पर हो। तो उसके लिए मैं एक VPN का रिव्यू लेकर के आऊँगा, बेस्ट VPN इन इंडिया करके, उसमें हम लोग सारे स्पीड टेस्ट करके देखेंगे। तो यूजुअली कितना रहेगा, मान लो मेरे 40 Mbps का कनेक्शन है तो मेरा कनेक्शन 10 Mbps पे भी जा सकता है, 20 पे भी जा सकता है, 30 पे भी जा सकता है, अगेन डिपेंड करता है कि मैं कौन सा VPN यूज़ कर रहा हूँ। सो क्या VPN ज़रूरी है? अगर आप लोग बहुत सारे TV शोज नेटफ्लिक्स देखते हो, अगर आप लोग ट्रैवल करते हो, अगर आप लोग पब्लिक वाईफाई का यूज़ करते हो, अगर आप लोग इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा काम करते हो, तो मेरे हिसाब से VPN होना एक अच्छी चीज़ हो जाती है। सो क्या VPN ही एक ऑप्शन है प्राइवेसी एस्टैब्लिश करने के लिए? नहीं, आप लोग टॉर ब्राउजर का यूज़ कर सकते हो, आप लोग प्रॉक्सी का यूज़ कर सकते हो, आप लोगों को पेड VPN नहीं चाहिए तो आप लोग फ्री VPN भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन इन सब के कुछ अलग अलग डिसएडवांटेजेस भी रहते हैं, कुछ एडवांटेजेस भी रहते हैं, इसलिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। बट जो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है वो होता है एक VPN का यूज़ करना, और वो भी एक पेड VPN का यूज़ करना। तो क्या VPN 100% सेफ है? जी नहीं, VPN 100% सेफ नहीं है। अगर आप इंटरनेट पे कुछ भी काम कर रहे हो तो 100% सेफ्टी की गारंटी आप लोगों को कोई भी नहीं दे सकता है। बट कंपेयर टू हमारा जो नॉर्मल इंटरनेट रहता है उससे ज़्यादा सेफ है VPN को यूज़ करना। और VPN अगर आप लोगों को सेफ्टी के लिए चाहिए, अगर आप लोगों को प्राइवेसी के लिए चाहिए, तो एक और इंपॉर्टेंट बात रहती है, वो रहती है कि वो लोग लॉक्स कितने रख रहे हैं। अगर वो कुछ डेटाबेस के लॉक्स वगैरह नहीं रख रहे हैं तो कंपैरेटिवली वो ज़्यादा सेफ है। और कहाँ पे सिचुएटेड है, जैसे US में अगर वो लोग सिचुएटेड है तो US की जो लॉज हैं वो गवर्न करेंगे उस VPN कंपनी को। वो US कभी भी इंटरवीन कर सकती है, कभी भी घुस सकते हैं वो लोग कि हमें डेटा दो। सो इंटरनेट पे 100% सिक्योर कुछ भी नहीं है, काफ़ी सारी चीज़ें रोज़ हैक होती रहती है, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो एप्पल हो, iCloud हैक हो जाते हैं, NordVPN रिसेंटली हैक हो गया था। तो 100% सिक्योर नहीं है, लेकिन हाँ, जो अभी आप लोग कर रहे हो उससे ज़्यादा एक बेटर सिक्योरिटी मिलेगी अगर आप लोग VPN यूज़ करोगे तो। एंड अगेन, हमें कोई भी VPN नहीं यूज़ करना है, एक रेप्यूटेटेड VPN यूज़ करना है, उसकी नो डेटा लॉक पॉलिसी चेक करनी है, उसके बैकग्राउंड चेक करने हैं, जो इंक्वायरीज होती है कि अगर लोग उनसे डेटा मांगते हैं तो उनका क्या रिप्लाई आता है, वो सारी चीज़ें हमें चेक करनी पड़ेगी। तो इसके लिए अगेन जो मैं वीडियो बनाऊंगा अपना बेस्ट VPN वाला, उसमें मैं इसको डिस्कस करूंगा कि कौन सा ज़्यादा सिक्योर है, किस में ज़्यादा इंडिया में ज़्यादा अच्छी स्पीड मिल रही है, वो सारी चीज़ें हम लोग वहाँ पर बात करेंगे। बीच में अभी मैं आप लोगों को एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए टिप देना चाहूँगा कि अपने पासवर्ड्स को हमेशा बदलते रहो और सारी वेबसाइट्स लिए एक अलग अलग पासवर्ड रखो। आप लोग एक पासवर्ड जनरेटर टूल का भी यूज़ कर सकते हो, आप लोग एक पासवर्ड मैनेजमेंट टूल का भी यूज़ कर सकते हो। जो मैं यूज़ करता हूँ वो है बिट वार्डन। नाउ ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैं इसे यूज़ करता हूँ, फ्री है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, आप लोग भी इसे डेफिनेटली देख सकते हैं। सो अगर आप लोग कोई इलीगल टाइप की एक्टिविटीज करते हो तो क्या VPN आप लोगों की हेल्प करेगा? जी नहीं, उस केस में VPN आप लोगों की कोई भी हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि गवर्नमेंट के पास बहुत पावर है, उन लोगों के पास एडवांस टूल्स हैं जिसके थ्रू आप लोगों को इजीली कैच किया जा सकता है। तो VPN के भरोसे कोई भी इलीगल काम मत करिएगा, एंड इलीगल काम करो ही मत यार, अच्छे अपॉर्चुनिटीज है आज के टाइम पे। सो कुछ ऐसा काम करो जो लीगल भी हो और एथिकल भी हो। सो क्या VPN को यूज़ करना लीगल है? जी हाँ, इंडिया में VPN को यूज़ करना लीगल है। आप लोग नेटफ्लिक्स देख सकते हो, आप लोग कुछ भी कंटेंट को एक्सेस कर सकते हो, कोई आप लोगों को कुछ इस पे केस नहीं करेगा, नेटफ्लिक्स वाले नहीं आएंगे आपके घर पे कि आप लोगों ने US के कंटेंट को एक्सेस क्यों किया है। यहाँ फिर जो काफ़ी सारे जो ऑफर्स आते रहते हैं, जैसे साइड ग्राउंड पे रिसेंटली ऑफर आया था कि अगर जो US सिटीजन्स के $1 में 3 महीने की होस्टिंग मिल रही थी तो वो VPN की मदद से ले सकते हो। गोल्ड जिम ने कुछ ऑफर्स निकाले थे कि अगर आप लोगों को ट्रेनिंग चाहिए गोल्ड जिम की, जो उनके जो प्राइवेट लेसेंस होते हैं उनके ऐप पे, उसके लिए आप लोग VPN का यूज़ कर सकते हो। तो इन सारी चीज़ों के लिए आप लोग VPN का लीगली यूज़ कर सकते हो। सो अब एंड में कौन सा VPN हमें यूज़ करना चाहिए? तो अगेन, इसके लिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ जहाँ पे मैं 7 से ज़्यादा VPNs की टेस्टिंग कर रहा हूँ अभी। और अगर अभी आप लोगों का कोई फेवरेट VPN है या आप लोग चाहते हैं कि उस VPN को भी मैं कवर करूँ तो नीचे मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा, मैं उस VPN को भी इंक्लूड कर लूँगा। सो दैट विल बी ऑल फॉर दिस वन। अगर आपको ये डिटेल्ड वीडियो अच्छा लगा है तो उसको थम्सअप दे दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।